हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनायक कुकिंग एंड क्राफ्ट। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को फुल वॉच करिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनायक कुकिंग एंड क्राफ्ट। तो गाइज, आज मैं आपके साथ कोई आइसक्रीम की रेसिपी नहीं लेके आई हूँ। ये एक तरीके की दही है जो कि मैंगो से बनने वाली दही है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बहुत ही खास रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार है, बनाना बहुत ही आसान है। तो फिर देर किस बात की, हम भी इसे ट्राई कर लेते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी शुरू करते हैं और आप फुल वीडियो वॉच करिए। वीडियो जैसी भी लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंगो कर्ड बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट चाहिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आधा लीटर दूध ले लिया है, 3 आम ले लिए मैंने और थोड़ी सी शक्कर। तो सबसे पहले हम आम के छिलकों को हटा के इसके सारे पल्प को निकाल लेंगे और ये जो दूध है हमारे पास इसे गैस पे चढ़ा देंगे। दूध को हमें थोड़ा सा गाढ़ा करना है। तो देखिए, मैंगो पल्प को हमने निकाल लिया। अब इसे हमें क्या करना है, मिक्सर ग्राइंडर में इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और साथ में जो शक्कर है इसे भी आप साथ में ही ग्राइंड कर सकते हैं। ये जो कर्ड है ये थोड़ी मीठी अच्छी लगती है। आम भी आपको यहाँ पे जो भी लेना है ना, मीठी क्वालिटी का लेना है, खट्टा आम बिल्कुल भी नहीं लेना है। मैंने पका हुआ आम लिया है। तो आप चाहें तो चीनी को डालें या फिर न भी डालें, ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी चीनी 1 से 2 चम्मच ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून शक्कर ऐड करूँगी। शक्कर के साथ आम को हम ब्लेंड कर लेंगे। तो मैंने आम में सिर्फ 2 चम्मच चीनी डाला है। अच्छे से इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आम और चीनी को अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया। इसे साइड में रख लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि दूध में उबाल आ रहा है। तो दूध को हम 5 से 7 मिनट तक अच्छे से उबाल लेंगे ताकि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए। फिर हम इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे, मतलब हल्का हल्का गर्म होना चाहिए। जैसे दही जमाने के लिए दूध होता है ना, उस तरीके का। जब आपका दूध हो जाए तब आप इसमें मैंगो पल्प डाल के अच्छे से मिक्स करिए और फिर जमावन डाल के इसे हम जमाएंगे। तो इसे अभी तो हम पका लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इस दूध को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। दूध हल्का हल्का ठंडा हो चुका है, इसमें सारे पल्प को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जिस भी कंटेनर में या जिस भी बर्तन में दही जमाना है उसमें आप इसे डाल लीजिए और फिर इसमें थोड़ा सा आप जमावन के लिए दही डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। थोड़ी सी हम फ्रेश दही ले लेंगे, अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। अब ऊपर से आप चाहें तो कटे हुए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए और इसे आप कवर करके 3 से 4 घंटे के लिए बाहर रख दीजिए कहीं भी गर्म जगह पे, और ये दही आपकी जम जाएगी। फिर हम इसे फ्रिज में रखेंगे और बिल्कुल ठंडी ठंडी मैंगो कर्ड को हम खाएंगे। तो देखिए, 3 घंटे हो चुके हैं और ये हमारी दही बिल्कुल अच्छे से जम चुकी है। तो इसे हम ना 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये बिल्कुल से ठंडी हो जाए, बिल्कुल चिल्ड हो जाए, उसके बाद हम इसे खाएंगे। तो चलिए, इसे मैं फ्रिज में रख दे रही हूँ। अभी तो मैंने इसे बाहर ही रखा था जमने के लिए। तो देखिए, फ्रिज में रखे इसे 3 घंटे हो गए हैं और अब मैंने इसे खोल दिया है। ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, ये देखिए, और बहुत ही बढ़िया है हमारी ये जो मैंगो कर्ड है वो तैयार हो चुकी है। तो अब आप इसे इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखिए, बिल्कुल आइसक्रीम की तरह लगती है। अब आप इसे इंजॉय करिए और आपको वीडियो जैसी भी लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया डिज़र्ट है समर के लिए, आप तैयार कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड।